गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.5। तो हमारे पास जो फर्स्ट 6 क्वेश्चन थे वो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 ब्रैकेट टी माइनस 3 इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट 2 टी प्लस 1। हम लास्ट क्वेश्चन के ही जैसे राइट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हमने राइट कर लिया 3 ब्रैकेट टी माइनस 3 5 ब्रैकेट 2 टी माइनस प्लस 1। अब हमें ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है और ब्रैकेट को ओपन भी करना है। हमारे पास आ गया 3 टी माइनस 9 और 10 टी प्लस 5। तो अब हम राइट करेंगे 3 टी माइनस 10 टी इक्वल्स टू 5 प्लस 9। हुआ क्या, 3 टी इस साइड था लेफ्ट हैंड साइड, 10 टी यहां से गया तो इस साइड को आ गया माइनस का, 9 इस साइड से आया साइड को तो हो गया प्लस का। तो 10 से जब 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे 7 आएगा, 10 बड़ी टर्म है माइनस की है तो हमारे पास माइनस आ गया, और 5 प्लस 9 होता है 14। तो t जब कट करेगा 7 बन जाए 7, 7 टू 14 माइनस 2 आंसर आ गया। हमारे पास इसी के साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8। तो हम क्वेश्चन राइट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है 15 ब्रैकेट y माइनस 4 एंड माइनस 2 ब्रैकेट y माइनस 9, नेक्स्ट है प्लस 5 y प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज है 0। हमारे पास क्वेश्चन आ गया 15 y माइनस 4 माइनस 2 ब्रैकेट y माइनस 9 प्लस 5 y प्लस 6। हमें दोबारा से मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं पहले सारे के सारे, 15 y माइनस 5 4 जा 60 और 2 y माइनस माइनस हो गया प्लस 18 प्लस 5 y तो 5 y आया प्लस 30 इक्वल्स टू 0। हमने सारे के सारे टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई किया इस हिसाब से, 15 को y से तो 15 y आता है, 15 4 का 60 होता है, माइनस 2 को किया तो माइनस 2 y माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस से साइन था तो अंदर प्लस किया प्लस ही मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर प्लस ही आया। हम सारे के सारे वेरिएबल्स इकट्ठे कर लेते हैं, 15 y माइनस 2 y प्लस 5 y एंड माइनस 60 प्लस 18 प्लस 30 इक्वल्स टू 0। हमने सारे के सारे जो वेरिएबल्स थे वो एक साथ राइट कर लिए और उनके साइन जैसे थे वैसे ही रहे। अब 15 y से 3 किया सब्सट्रैक्ट तो 13 y प्लस 5 y बचा, और 60 से जब 30 माइनस करेंगे तो माइनस का ही 30 रहेगा और प्लस 18 आ गया इक्वल्स टू 0। और 15 प्लस 5 18 होता है, और जब 30 से 18 को माइनस किया तो हमारे पास 12 होता है। हम चेक कर लेते हैं, ये 2 और ये 10 तो 2 1 हमारे पास 12 आया, बट 12 में साइन बड़ी टर्म का लगा तो बड़ी टर्म किस में है माइनस, तो y इक्वल्स टू आ गया, जब 12 इस साइड को आएगा प्लस का होगा और नीचे आ गया 18, 6 का टेबल 6 2 जार 12 6 3 जार 18, y की वैल्यू आ गई 2/3। तो हमारा क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, अब
क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है 3 5z - 7 - 9z - 11 एंड इक्वल्स टू 4 8z - 13 - 7। हमारे पास क्वेश्चन रहता है अब 3 (5z - 7 - 2) (9z - 11) = 4 (8z - 13) - 17। तो अब हमें ब्रैकेट्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करना है। हमने 3 से 5 को मल्टीप्लाई किया, 15z आ गया -21 एंड 2 9s are 18, 18z आया -(+) तो 22, 4 8s are 32z और 13 4s are 52 एंड -17। ओके, अब हमें जो लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल्स है वो सॉल्व करने हैं। 15z से 18 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 3z बचेगा, बड़ी टर्म का साइन माइनस। 21 से जब 22 को सब्सट्रैक्ट किया तो हमारे पास सिर्फ प्लस का 1 आता है। अब 32z ही रहेगा क्योंकि हमारे पास इस साइड कोई भी जेड नहीं है। अब 52 और 17 है, दोनों प्लस करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो हमारे पास आंसर आ गया 69। हमारे पास आंसर आया माइनस का 69। अब मैं 32 परली साइड लेके जाऊंगा तो 3z - 32z = -69 - 1। हमने क्या किया, 3z - 32 लिखा। अब जो 3z है वो दोनों माइनस किए होंगे तो माइनस माइनस प्लस हुआ 35z आ गया, वो भी माइनस का 69 और माइनस 1 है तो 17 आया माइनस का। माइनस से माइनस कट, जेड की वैल्यू आ गई 35 बन जा 35 35 2 17 2 आंसर। ओके, हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रहता है। जो लास्ट क्वेश्चन है राइट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, वो सारा की सारा डेसिमल में दिया है। 0.25 (4f - 3) = 0.05 (10f - 9). ये क्वेश्चन हम बहुत सारे टाइप से कर लेते हैं, पर हम पहले डेसिमल ही यहीं पे खत्म कर लेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो 25/100 आ गया और 4f - 3 आया। अब 5/100 आ गया तो ये 100 आ कहां से आया, डेसिमल आ आया। डेसिमल के इस साइड से दो डिजिट थे 1 2, तो 2 0 लगाए। अब 10f - 9। एक और चीज थोड़ा सीख लो, अगर लेफ्ट हैंड साइड में 100 हो सेम पोजीशन पे, जैसे यहां पे कहां है डिनोमिनेटर में और यहां भी कहां है 100 डिनोमिनेटर में, तो ये आपस में कट जाते हैं, आपस में कट जाते हैं। तो कटते कब है, जब एक ही फ्रैक्शन के सेम पोजीशन पे, तो यहां पे डिनोमिनेटर में था तो यहां भी डिनोमिनेटर में तो कटा। अब जो 25 है और 5 है ये भी कटेगा, ये न्यूमिनेटर में है ये भी न्यूमिनेटर में, तो 5 1 5 5 5 25। तो कट करना सबको आ गया 3। अब आ गया 10f - 9, 5 से मल्टीप्लाई 20f, 5 एक बार 4 को होगी एक बार 3 को होगी, तो 3 5 15, 10f - 9। अब हम वेरिएबल्स लास्ट टाइम के जैसे दोबारा से इकट्ठे करेंगे। हमारे पास आ गया 20f - 10f से 10f
इक्वल टू माइनस प्लस 15। पहले प्लस का था इस साइड गया, माइनस का होगा 15, माइनस का था प्लस का हो गया। अब 20 से 10 माइनस किया तो 10f ही रहता है, और 9 से जब 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना रहेगा, 6। 6 भी किसका है, प्लस का। तो f की वैल्यू आ गई 6/10। अब हम राइट कर सकते हैं, हमारे पास आंसर आ रहा है 0.6। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ये भी ओवर हो गई। थैंक यू।